तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, एक बकरे के जब दो दो बच्चे होते हैं तो किस प्रकार से उनका जुगाड़ करता है वो, दूध कैसे पी रहे हैं देखो दोनों, ये देख रहे हो। और कुछ इस प्रकार की हसीन सीनरी आपको हमारे गढ़वालों में ही मिल सकती है। आजी हटो जरा, ये बकरा देख सकते हो, उसके दो बच्चे हैं और दोनों को ये पालेगा, दोनों को दूध देता है ये बकरा। माँ तो माँ होती है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है लबालब भरी हुई धूप से, काफ़ी तकड़ी धूप लगी हुई है इस समय हमारे इलाके में, और ठंड का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो है अपने आप को कवर करके लेके गए हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ शाम के टाइम काफ़ी ठंड हो जाती है। आपको पता ही है हमारे गांव में जो है फॉरेस्ट के तहत बागवानी में चार दीवारी का काम चल रहा है और वो काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो आज फिर से मैं वहीं जा रहा हूं और सुबह सुबह ये सारे बच्चों को रेडी करके, ये देख रहे हो, ये इनको स्कूल भेजूंगा और उसके बाद मैं अपने काम के लिए चला जाऊँगा। तो दगड़ियों, आपके यहाँ का मौसम का क्या हाल है कमेंट्स बॉक्स में लिखें और हमें ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि मौसम आजकल चेंज हो रहा है, ठंड से मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है। और जब मौसम चेंज होता है तो चेंज होने के साथ साथ काफ़ी बीमारियाँ भी अपने साथ ला रहा है, तो उन बीमारियों से बचें, अपना ध्यान रखें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, यही कामना हम आपके लिए कर रहे हैं। ये देख रहे हो कैसी रोटियां बन रही है, बिल्कुल लीन हो रखे हैं रोटियों में, ये देख सकते हो आप कितने मदमस्त होके रोटियां बन रही है, बहुत आराम आराम से। पता नहीं क्या सोच रहे हैं रोटी बनाते समय, देख रहा और काफी तकड़ी धूप है गांव में। दोस्तों एक बार फिर से हो गई हमारी जर्नी शुरू आज के दिन की। 5-5 लीटर के पानी के कैन साथ में लेके, और ये पीछे जा रहे हैं राजेंद्र सिंह, पता नहीं हाथ हिला रहे हैं किसी को। कुछ मजदूर लोग हैं आगे देख सकते हो आप, ऐसे जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। और एक कांटे देख रहा हूँ, ये कांटे ये है सॉल के कांटे। तो कुछ इस प्रकार के जानवर यहाँ आमूमन देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को पहाड़ों में। सॉल जो कि आलू का दुश्मन माना जाता है और मकई की खेती होती है जो मक्के की, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, उसी के कांटे हो, इधर ही कहीं उसका अड्डा होगा। ये है खोल गांव का तिमले रोल का एरिया,
देख रहे हो कितना कितना अच्छा एरिया है। यहाँ परमाणु बम भी असर नहीं करेगा। और लोगों का कहना है कि यहाँ अगर परमाणु बम भी डाल देगा कोई तो असर नहीं करेगा, वो तो सरासर झूठ है, यहाँ असर करेगा। लेकिन ये देख सकते हो आप इलाका तिमलियो रोल ग्राम कॉल का। आज यहीं पे है हमारा वर्क स्टेशन, लंच टी टाइम हुक्का पानी सब यहीं पे होगा आज। तो दोस्तों आ चुके हैं हम दिन भर के काम करने के बाद घर में, और इस समय हमने चाय पी ली है और बहुत थक चुके हैं दिन भर, आप समझ ही सकते हो। पूरा पत्थर मिट्टी में काम करना पड़ता है तो बहुत हार्ड काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। दिखने में लोग एंजॉय करते हैं बट इतना आसान काम नहीं होता है, वो बहुत हार्ड काम होता है। और मुझे लगता है फिजिकली तौर पे सबसे हार्ड काम जो मनरेगा में और जो ग्रामीण विकास में जो भी कार्य होते हैं गांव में, फिजिकली तौर पे बहुत हार्ड काम होते हैं, काफ़ी थक जाता है आदमी सुबह से शाम तक वो काम करने से। और उसी थकान को साथ लेके हम घर आ चुके हैं, चाय पानी मैंने आपको बता ही दिया हो गया है, और अब करेंगे डिनर की तैयारी क्योंकि घर में आदमी बिल्कुल भी खाली नहीं रहता है, जब देखो कुछ ना कुछ काम उसको होता ही है। तो आज के डिनर में हम बनाने वाले हैं आलू छोले। दोस्तों इस समय शाम का टाइम है, लगभग 6 बजने वाले हैं, 5:30 बजे हमारी छुट्टी होती है वहाँ से। ठंड की अगर मैं बात करूँ तो ठंड भी अभी बरकरार है पहाड़ों में, थोड़ा शाम सुबह ठंड हो ही रही है। और आसपास के नज़ारे आप देख सकते हो पहाड़ों के, शाम की कुछ इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। दिन भर तो धूप थी लेकिन शाम के टाइम और सुबह के टाइम जैसे कि मैंने बताया ठंडा भी बरकरार है। और दोस्तों ये है हमारा बाहर का चूल्हा, यहाँ गांव में हर आदमियों का हर परिवार का एक चूल्हा बाहर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो है छोले रख दिए हैं बॉयल करने के लिए, अब अच्छी तरीके से ये बॉयल होंगे। और इसके साथ आलू भी है तो आलू छोले मिक्स करके हम आज आलू छोले बनाने वाले हैं। और आसपास की अगर मैं बात करूँ तो मौसम काफ़ी सुहावना है, ठंड ज़रूर है लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम है। ये देख रहे हो कुछ इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। आवाज़ अगर सही से नहीं आ रही होगी तो माफ़ करना। वर्क स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये देख सकते हो आप, जहाँ से ये धूप देख रहे हो धूप, यहाँ से हम काम करके आ रहे हैं और ये रहा हमारा गांव। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मैं छोले और आलू बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे को नींबू की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो नींबू लाने के लिए भी यहाँ बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना पेड़ है, पेड़ से अगर होंगे अवेलेबल तो निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा पेड़, एक खेत है, ठीक है। आलू तो सुवर खा गया निकाल निकाल के, देख रहे हो गड्ढे गड्ढे कर रखे हैं, लेकिन ये है पेड़। और कुछ नींबू तो मेरे को दिख रहे हैं अभी है इसमें अवेलेबल, ये आप भी देख सकते हो ये है नींबू, ऐसे ही एक दो नींबू दिख रहे हैं मेरे को, तो तोड़ के लाता हूँ मैं इनको। लगड़ियों कुछ इस प्रकार से तीन नींबू तोड़ लिए मैंने और ये काफ़ी है मेरे लिए, वैसे नींबू अब है भी नहीं, दो चार गिन के और होंगे। और इनमें काफ़ी रसीला नींबू है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है, तो बहुत है हमारे लिए आज के लिए। तो चलो तो दोस्तों आलू छोले बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी मेथी और हरे धनिया की, क्योंकि मेथी का तड़का मारेंगे उसमें और हरा धनिया लास्ट में यूज़ करेंगे। तो उसी की खोज में निकल चुका हूँ, मेथी तो मुझे डेफिनेटली पता है कि मिल जाएगी लेकिन हरा धनिया में थोड़ा डाउट है, देखते हैं मिलता है कि नहीं।
ये रहा हमारा सगोड़ा। यहाँ पे हल्की फुल्की रोज़मर्रा की चीज़ें होती है। और ये है मेथी, देख रहे हो। और ये मेथी सब्जी भी बनाते हैं इसके, लेकिन सब्जी के लिए तो कुछ इतनी है, बट तड़के के लिए यहाँ पे बहुत सारी है, आप देख सकते हो। तो हम इसको तड़के में यूज़ करेंगे। निकालते हैं यहाँ से थोड़ा हरा धनिया इस साइड में अगर होगा तो, और यहाँ से निकालेंगे मेथी। तो दोस्तों ये ले लिया हमने लहसुन के पत्तियाँ, हरा धनिया और मेथी। कितना सुंदर लग रहा है ना। अब इसको यूज करेंगे हम आज के आलू छोले में। तो ये बन गए हमारे आलू छोले रेडी, देख रहे हो। तो काफ़ी टेस्टी, मैंने टेस्ट किया, काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं खाने में। अब इसमें हम धनिया मारेंगे और इसको डिनर के लिए तैयार। काफ़ी धुआं हो चुका है अंदर, और बस आज के ब्लॉग में यही था। आलू और छोले हमने बनाए दिए हैं, रोटी बनाएंगे और उसके बाद डिनर करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।